आज के इस वीडियो में जानेंगे एक्सिस मोबाइल से फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सिस मोबाइल को ओपन करेंगे। और यहाँ पे अपना एम पिन इंटर करेंगे। फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। फंड ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं। हम यहां पे जो है ऑलरेडी बेनिफिशियरी को ऐड कर चुके हैं। यहां पे ऑल पे ई में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से पे ई को सेलेक्ट कर लेंगे कि एक्सिस बैंक का पे ई है या फिर अदर बैंक का। हम यहाँ पर जो है अदर बैंक के पे ई को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे पे ई आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे, आपको जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। और इसके बाद यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी दे सकते हैं या फिर आप इसको रहने देंगे। पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे आपको जो है तीन ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, लेटर NEFT, इंस्टेंट IMPS और स्टैंडर्ड NEFT। लेटर NEFT जो है शेड्यूल ट्रांसफ़र के लिए है। जैसे आप किसी डेट को पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एक डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से पेमेंट कर लेंगे तो जो है उस डेट को आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आपको इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इंस्टेंट IMPS को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जो है किसी भी अकाउंट में इंस्टेंटली पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टैंडर्ड NEFT जो है इसमें कुछ समय लग सकता है, जैसे आप वर्किंग आवर में अगर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से जो है कुछ समय में आपका पैसा जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड NEFT करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पे एम पिन इंटर करेंगे। और यहाँ पे जो है सक्सेस आ जाएगा कि योर ट्रांसफ़र हैज़ बीन इनिशिएटेड और इसके जो है कुछ समय बाद आपका पैसा जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे जो है आप एक्सिस मोबाइल से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।